एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बताता हूं। 22 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तीसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। तो दो लिस्ट आ चुकी है और अब तीसरी लिस्ट जो है उसका इंतजार है। और खबर यह है कि 22 मार्च वो तारीख होगी, उसमें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और तीसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, वो बताएंगे कौन से बड़े नाम हो सकते हैं नीरज तीसरी लिस्ट में। मैं आपको बता दूं कि तीसरी लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, बड़े नाम हैं जिन पर मुहर लग सकती है, खासकर बिहार के तमाम ऐसे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद से लेकर गिरिराज सिंह तक, इन सब के नामों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के भी 24 सीटें बाकी हैं, जिसमें मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे दिग्गज नेता हैं, अब उनको टिकट मिलेगा या पार्टी उनका टिकट काटती है ये तय हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा या उनका उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा, तमाम ऐसे निर्णय होने हैं जो 22 तारीख को हो जाएंगे। और माना जा रहा है कि 23 तारीख को वो तीसरी सूची आ सकती है, जिसमें करीब 100 से 150 नाम हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 से 150 लोगों की तीसरी सूची जारी कर सकती है और उस दौरान पता चलेगा कई बड़े दिग्गज जो इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है विवेक, वो यही है कि 22 तारीख की शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत सभी जो राज्यों के कोर कमेटी के मेंबर, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर वो मौजूद रहेंगे और करीब 150 उम्मीदवारों के नामों का फैसला करेंगे और उन पर मुहर लगाएंगे और 23 तारीख को उन्हें आम कर दिया जाएगा लोगों, क्योंकि 27 मार्च एक ऐसी तिथि है जो फर्स्ट पेज के सभी लोगों के इंतजार तीसरे लिस्ट का कि कौन से चेहरों को इसमें जगह मिलेगी। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।